तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट्स के बारे में। इसरो ने 3 लैंडिंग साइट्स प्रपोज किए, प्राइमरी साइट, अल्टरनेट साइट और एक तीसरा है जो इसरो के चीफ बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, ज़्यादा करके प्राइमरी साइट चूज़ की जाएगी। बट इससे पहले कि जाने चंद्रयान 2 का लैंडिंग स्पॉट इतना यूनिक क्यों है, हम जान लेते हैं कि दूसरे मिशंस ने क्या कांड किया। तो पहले मैं ग्रिड ऑन कर लेता हूँ जल्द से, ताकि हम इक्वेटर मिले। अच्छा, ये रहा। तो ये रहा इक्वेटर। जैसे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द लैंडर मिशंस यहीं पे हुए हैं। तो यहाँ पे अपोलो 11 का है, यहाँ रेंजर 8, सर्वेयर 5। ये साइड आप आओगे तो रशिया के लूना मिशंस मिलेंगे, लूना 5 और बहुत सारे ज़्यादा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मिशंस लैंडिंग यहीं पे इक्वेटर के आसपास ही हुए, वो भी अर्थ फेसिंग साइड पे। बहुत कम ऊपर हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अपोलो 17 यहाँ हुआ है और ये रशिया का लूना 21। ये इसलिए क्योंकि यहाँ उतना केओस नहीं है, ज़्यादा ईजी होता है, बहुत फ्लैटिश एरियाज है, ये एकदम चिल्ड काइंड ऑफ प्लेसेस है इक्वेटर के ऊपर। बट अगर आप थोड़ा साउथ पोल पे आओगे तो यहाँ पूरा भूकंप मची है, जैसे बहुत हड़बड़ा एरिया है, बहुत सारे क्रेटर्स है, बहुत इम्पैक्ट्स आए साउथ पोल ने। नॉर्थ पोल में भी काफ़ी इम्पैक्ट्स है बट उतने नहीं जितने साउथ पोल में है। चंद्रयान 2 साउथ पोल के करीब लैंड करने अटेम्प्ट करेगा, जो हिस्टोरिक मिशन होगा। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो तो हमें मून कुछ ऐसे दिखता है हमेशा, यही फेस सबको दिखता है पूरे अर्थ पे। मून टाइडली लॉक्ड है, मतलब एक ही साइड उसका फेस करता है अर्थ को हमेशा। अगर आप स्टोरीज सुनते हो कि मुझे आज ये भगवान दिखा, आज ये एनिमल दिखा मून पे, तो वो सब गलत है, क्योंकि हमेशा हमको एक ही फेस दिखता है। ऑल्दो मून के डार्क साइड पे, जो गलत है कहना, असली कहना है फार साइड, तो मून के फार साइड पे आने पीछे हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। चाइना का लैंडर रिसेंटली लैंड किया, वो 45.47 डिग्री साउथ और 177.60 डिग्री ईस्ट, यानी वॉन कार्बन क्रेटर में लैंड किया करीब यहाँ। तो यहाँ चाइना का लैंडर लैंड किया। तो पिछला जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने चंद्रयान 2 के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी जो एनकाउंटर कर रहा है, उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि ये ऑलरेडी साउथ पोल के पास लैंड हो चुका है, हम हिस्ट्री नहीं कर रहे। गलत है, आप ही देख लो कितना दूर है वो साउथ पोल से। साउथ पोल यहाँ है और ये क्रेटर यहाँ है, ये उसका लैंडिंग यहाँ हुआ है, तो काफ़ी दूर है। तो चंद्रयान 2 कहाँ लैंड होने वाला है, तो चंद्रयान 2 के लैंडिंग देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चंद्रयान 2 का एनिमेशन नहीं देखा जिसमें मैं लैंडिंग वगैरह दिखा रहा हूँ, लैंडर और रोवर का डिप्लॉय वगैरह, तो आप ज़रूर देख लीजिए। स्केल पे नहीं है बट देखिए ऐसा लगेगा। तो सबसे पहला साइट यानी प्राइमरी साइट जो सिलेक्ट हुआ था वो है 70.9 डिग्री साउथ और 22.8 डिग्री ईस्ट। तो वो यहाँ पे आता है, तो ये है, मैं जूम आउट करके एक बार आपको दिखाता हूँ, करीब यहाँ पे। तो ये हमारा मून है और यहाँ पे हम लोग लैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ये एक क्रेटर के पास, ये पता नहीं मुझे ये मिकी माउस की तरह दिखता है, तो मिकी माउस क्रेटर कहते हैं इसे। तो इसरो ने ये प्राइमरी साइट बोल के इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, सॉरी अगर आपको माउस क्लिक्स बहुत सुनाई दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी फ्लैटिश एरिया है ये पार्ट इस कोऑर्डिनेट के पास। और यही नहीं, इस एरिया में स्लोप जो है वो मैक्सिमम 15 डिग्रीज है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो गलती से मेरा लैंडर एक काफ़ी रफ स्लोप पे लैंड हुआ, उतना भी रफ नहीं था बट मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे रोवर को बाहर निकालते वक्त। तो ये 15 डिग्री से कम है सब स्लोप्स, और काफ़ी अब देखोगे छोटे छोटे क्रेटर्स है रोवर को एक्सप्लोर करने के लिए भी। ऑल्दो ये आपको छोटे दिखते हैं बट काफ़ी बड़े हैं, मैं एक रूलर निकाल के एक बार बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ लैंड करते हैं और उसको इस पार्ट में जाना है तो उसको 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा इस पार्ट, ये 4 किलोमीटर है, तो काफ़ी बड़ा है वैसे देखा तो, बट डुएबल है, काफ़ी डुएबल भी। प्रॉब्लम है क्योंकि रोवर ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, रोवर बस 15 डेज के लिए सर्टिफाइड ऑफिशियली, उसके 14 डेज, उसके बाद के 14 डेज जो नाइट में गुजरेंगे वो शायद रोवर सर्वाइव नहीं कर पाए। तो सेकंड साइट देख लेते हैं। सेकंड साइट जो अल्टरनेट साइट लिस्ट की गई है वो 69.8 डिग्री साउथ और 18.5 डिग्री वेस्ट।
वो इसी के ज़रा सा साइड में, ज़रा सा नहीं काफ़ी साइड में। तो ये भी एरिया वैसे ही है जैसे प्राइमरी साइट है, काफ़ी फ्लैटिश काइंड ऑफ है, तो ज़्यादा सेफ़ है चंद्रयान टू को लैंड लैंड करने के लिए। तो जो लैंड करने वाला है उसका नाम है विक्रम, और जो रोवर होगा प्रज्ञान, तो प्रज्ञान उसका नाम होगा। तो यहाँ ये ऑल्टरनेट साइट है, बट के सिवन सर जो इसरो के बॉस है, उन्होंने रिसेंटली बहुत बार कहा है कि चंद्रयान 274 डिग्रीज साउथ लैंड करने ट्राई करेगा। तो मेरे दोस्त के हिसाब से वो 74 डिग्रीज साउथ और 20 डिग्रीज ईस्ट होना चाहिए, तो करीब यहाँ। बट अगर ये लिटरली ले तो एक क्रेटर में आ जाता है। ये क्रेटर छोटा नहीं है, ये क्रेटर का डायमीटर ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर है, जो बहुत बड़ा है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। अगर मेरे घर से पैंजिम जाओ तो भी, पैंजिम गोवा तो भी कुछ 26 किलोमीटर होता है, ये तो 35 किलोमीटर्स कुछ है। तो ये क्रेटर में लैंड करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा साइंस मिल सकता है। वैसे भी 74 डिग्री साउथ ये श्योर है, बट हम हमारे पास लैटिट्यूड ये श्योरिटी नहीं है। तो इस एरिया में कहाँ भी लैंड हो सकता है, शायद ये क्रेटर में या शायद यहाँ। हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी। जब भी इसरो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा, मैं पिन एक कमेंट पिन कर दूंगा जिसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो लॉन्च से पहले ही हमें सब पता चल जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है और बहुत यूनिक मिशन है, बहुत अचीव करेगा ये, नहीं इंडिया के लिए बट साइंस की दुनिया के लिए भी। काफ़ी सारा नया डेटा आने वाला है इस प्लेस से, क्योंकि यहाँ हम गए नहीं है। साउथ पोल पे एक चीज़ गई है, एकदम एग्जैक्ट साउथ पोल पे, और वो है हमारा मून इम्पैक्ट प्रोब। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में सेक्शन में बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी।